रातों रात कमर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपना पाचन तंत्र सही करना चाहते हैं, तो अपनाएं इस घरेलू नुस्खे को। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो बहुत ही खास और गुणकारी है। दोस्तों, ये चीज आपको आपके घर में ही इजीली मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर हमारी माँ दादी अपने घर में ये चीजें जरूर रखती हैं, क्योंकि जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर इस चीज की जरूरत जरूरी पड़ती है। दोस्तों, उस एक औषधि का नाम है जायफल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है जायफल। जायफल एक गुणकारी औषधि है। दोस्तों, इससे शरीर की अनेक बीमारियों को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, जायफल भी दूसरे मसालों की तरह ही एक मसाला है। इसका प्रयोग खाने में जरूर किया जाता है। दोस्तों, जायफल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है और इसके अलावा भी विटामिन B1 और B6 होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, ये सेहत के साथ साथ हमारी त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। जायफल से त्वचा के गहरे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, सनबर्न जैसी त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किन किन बीमारियों में ये कारगर है और कैसे कैसे आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों, यदि आपका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, यानी आप जो कुछ खाते हैं अच्छे से नहीं पचता, आपको दस्त लग जाते हैं या फिर पेट में दर्द हो जाता है, तब आपने जायफल का सेवन करना है। जायफल को आप हल्के गुनगुने पानी के साथ लें। ऐसा करने से दोस्तों आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये कारगर औषधि है। दोस्तों, इसे आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको घिस लीजिए। घिस कर आपने इसमें शहद की 1-2 बूंद डाल लें, या फिर आधा चम्मच भी आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपको शुगर की बीमारी है तब आप इसमें शहद नहीं डालें और इसको गर्म पानी के साथ सेवन करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पेट के रोग नहीं होंगे। पेट में दर्द हो जाता है आपको, वो सही हो जाएगा। दोस्तों, सर्दी खांसी है आपको, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी खांसी में दोस्तों आपने दूध में मिलाकर इसका सेवन करना है। आपने क्या करना है, दूध को उबालने के लिए आपने गैस पर रख देना है और उसमें आपने चुटकी भर जायफल को घिस कर डाल देना है। इससे आपका जो खांसी जुखाम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे दोस्तों आप शहद के साथ भी ले सकते हैं सर्दी और खांसी में। यदि दोस्तों आपको सिर दर्द रहता है, सिर दर्द को सही करना चाहते हैं, तो सिर दर्द को सही करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको कद्दूकस में घिस कर इसका पाउडर सा बना लेना है। इस पाउडर में दोस्तों आप थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका लेप सा बना लें और सिर पर लगा लें। लेप करने से दोस्तों कुछ ही मिनटों में आपका जो सिर का दर्द है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप सर्दी से बचना चाहते हैं, आपको सर्दी जुखाम हो गया है, बुखार आ जाता है जल्दी जल्दी, तब आपने इसका सेवन करना है। आप इसका सेवन दूध के साथ करें सर्दी जुखाम बुखार में। और दोस्तों, यदि आपकी भूख कम है, भूख को बढ़ाने के लिए भी दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने भूख को बढ़ाने के लिए दूध में इसको डालकर इसका सेवन करना है रात को सोते समय। इससे क्या होगा, आपकी भूख बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको दस्त है और या पेट में दर्द रहता है, तब आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसे जल में घिस कर सेवन करने से दोस्तों दस्त बिल्कुल सही हो जाते हैं। इस दौरान स्वस्थ भोजन भी करना जरूरी है, यानी आप बाजार का तला भुना ना खाएं। आप अपने घर में सिंपल सादा खाना बनाकर वो सेवन करें और जायफल का सेवन करें। दस्त पर रोक लगाने के लिए जायफल को घिसकर आप नाभि पर भी लेप कर सकते हैं। इससे भी दस्त की गंभीर बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। और दोस्तों, दूध में डालकर इसका सेवन करना है आपने। बच्चों के पेट में अक्सर दर्द हो जाता है, वो रोते रहते हैं, यानी उनको बोलना भी नहीं आता और वो रोते रहते हैं, तब भी आप बच्चों को जायफल दे सकते हैं। आपने कैसे देना है बच्चों को, या तो आप दूध की बोतल में थोड़ा सा जायफल डाल दे दूध में, तब मिलाकर दे दे बच्चों को, या फिर आप चकले पर इसे घिस कर थोड़ा सा पानी लगाकर इसको इस तरह से घिस लीजिए और घिस कर दोस्तों आपने इसके एक चुटकी बच्चे को चटा देनी है। ऐसा करने से वो बिल्कुल शांति से सो जाएंगे
और उनके पेट में दर्द नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपकी कमर में दर्द रहता है तब भी आपने इसका सेवन करना है। कमर में दर्द के साथ साथ जोड़ों में कहीं पर भी दर्द है तब भी आप इसे दोस्तों हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या बॉडी पेन है तब वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मुहासों की समस्या है, यानी आपके मुंह पर मुहासे आ जाते हैं, मुहासों को सही करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जायफल को पानी में थोड़ा सा घिसना है और इसे मुहासों पर लगा लेना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके मुहासे बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर प्रसव के बाद महिलाओं को कमर में दर्द रहता है तब वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दूध में डालकर इसका सेवन करें, इसका पेस्ट बना लें या फिर इसको कद्दूकस में घिसकर दूध में डालकर इसका सेवन करें। दोस्तों, यदि आप इस तरह से इसका सेवन करते हैं तो आपको अनेक बीमारियों में राहत मिलेगी। जोड़ों का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट दर्द नहीं रहेगा आपको, सर्दी जुखाम खांसी ये सब नहीं रहेंगे, सिर का दर्द भी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी आज से ही जायफल का सेवन शुरू करें और अपने लिए फायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।